गुजरात के अलग अलग बंदरगाहों पर ड्रग्स मिलती है करोड़ों रुपए की, करोड़ों रुपए की, खबर नहीं बनती। टनों टन नशीले पदार्थ मिलते हैं, मगर इस पर डिबेट तो छोड़िए चर्चा तक नहीं होती। और मैं त्यागी जी आपके सामने एक एक करके कुछ आंकड़े पढ़ूंगा। हम जिस विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं रोज, है ना, टेबल तोड़ देते हैं एंकर, इस विषय पर पता नहीं क्यों कोई कुछ नहीं बोलता। 21 अक्टूबर 2021 गुजरात में मुर्दपोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। इसकी बाजार की कीमत आकी गई 21,000 करोड़। फिर इसके बाद तारीख आती है 21 अप्रैल 2022 गुजरात के कनंदा पोर्ट पर 1500 करोड़ की हीरोइन जब्त की जाती है। फिर इसके बाद तारीख आती है 26 अप्रैल 2022 गुजरात के जखाउ पोर्ट के पास एक पाकिस्तानी नाव से 280 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। 30 अप्रैल 2022 गुजरात के पिपावा बंदरगाह पर फिर से 450 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई। गुजरात में जब्त 300 करोड़ की ड्रग्स दबोचे गए 9 पाकिस्तानी तस्कर। मैं एक बात समझना चाहूंगा त्यागी जी, एक आंकड़े हैरान करते हैं आपको कि नहीं? इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? ज्ञान व्यापी पर करिए, कुतुब मीनार पर करिए, ताजमहल पर करिए, तेजो महल पर करिए, है ना, जैसे मिश्रा जी ने बताया होनी चाहिए। उससे विकास होता है देश का, तो इससे भी विकास होता है देश का। चाहे वो शाहीन बाग का धरना चलता हो और चाहे वो दिल्ली में जो भी असंवैधानिक देश विरोधी गतिविधियां होती है, ये ड्रग्स पेंडर इसको ये ना एक इनकी देन रही है कांग्रेसियों की, जिन्होंने देश में पूरा पढ़ दूं 70 वर्षों लगातार राज किया। आपने अभी देखा कांग्रेस की परंपरा रही है राहुल गांधी जी का। त्यागी जी, राहुल गांधी कहां से आ गए इसमें? मैं तो सवाल, राहुल गांधी हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता ना, ये तो गर्व का विषय है। ये गर्व का विषय है, हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई, नशीले पदार्थ पकड़ेगा, ये गर्व का विषय है देश के लिए। कैसे जड़े हैं ये, देश जागरूक है, सब जानते हैं। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता देता हूं। 21 अक्टूबर 2021 का जिक्र किया, जो 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 21000 करोड़ की कीमत थी। फिर 21 अप्रैल 2022 को 1500 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई, 26 अप्रैल 2022 को 280 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 30 अप्रैल 2022 को 450 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक, उनमें से एक का बंदरगाह है, हैं, समझ रहे हैं ना आप? इतनी बड़ी खबर प्राइम टाइम की डिबेट नहीं बढ़ती, समझ रहे हैं त्यागी जी? आप कह रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर रहे इसलिए पकड़ी जा रही है, यही समझा रहे हो ना मुझे? किसी एक रईस है जो उसकी है ये बताया जा रहा है बंदरगाह जहां पर ये नशे की खेप पकड़ी जा रही है, देश में खबर नहीं है। कुछ बोलेंगे त्यागी जी? चावला भाई अवगत है, पूरा देश अवगत है, ये मुस्तैदी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी मुस्तैदी का परिणाम है, मुस्तैदी का परिणाम है। तो मुझे एक बात बताइए, पकड़ी गई है तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी पकड़ी गई है। हाथ में इतने बड़े पैमाने पर नशे की खेप कहां से आ रही है, कहां से आने के बाद कहां जा रही है, क्यों आ रही है, और इसका मुखिया कौन है? क्या यह देश को जानने का अधिकार है या नहीं? मैं इसलिए यह सवाल कर रहा हूं। देखिए चावला भाई, देश विरोधी जितने भी ताकते हैं, बहुत बीमारियां थी, अब वो नहीं चलेगा। एक तरफ आप गंगा जमुना तहजीब की बात करोगे, दूसरी तरफ आप मंदिरों को, मस्जिदों पर, राम भक्तों पर या हमारी धार्मिक हिंदू संस्कृतियों पर पथराव करने का काम करोगे। पर हैं त्यागी जी विषय पर हैं, विषय पर ध्यान से समझिएगा मेरे सवाल को, ध्यान से समझिएगा मैंने ये सवाल क्यों किया। आखिरकार
गुजरात जवाब दे रहा हूँ, जरा सुनिए तो। त्यागी जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं, खबर बता रहा हूँ सर। उन पे भाई आपके इसी प्रश्न का मैं जवाब दे, सवाल तो सुनेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। ड्रग्स पकड़ने की बात पे सवाल किया तो गुस्सा हो रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ, ऑडियो उठाइए, कोई बात नहीं, गुस्सा होना वाजिब है। भूत हाथों में तभी हो रहा है ना, और देश की सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड दिया गया है, सवाल तभी हो पा रहा है ना। सवाल कर लूं सर, हो गया। अब मैं सवाल कर लूं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मसला राष्ट्रभक्ति का है, राष्ट्रहित का है, देशहित का है, राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है, तभी मैं ये सवाल कर रहा था। सवाल को सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए, क्या इससे बच्चों का भविष्य खराब करने की ताकत नहीं है? अगर करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, मगर हमारे देश में प्राइम टाइम में हिंदू मुसलमान, आखिरकार गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर नशे की खेप कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, कहां जा रही है, और इसका मुखिया कौन है? इस सवाल को ध्यान से सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, अब उत्तर दीजिए। इससे बच्चों का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा? मैं इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं, ये ड्रग माफिया कितनी बड़ी लॉबी है, मैं जानता हूं ये बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं इस खबर को उठा रहे, लेकिन मेरा कर्तव्य है तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है तो खबर है, इसलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूं, क्या इससे देश में बच्चों का भविष्य खराब होता है या नहीं होता, इतना बताइए त्यागी जी। चावला भाई, देश विरोधी ताकतें, बाहरी जो ताकतें हैं, देश को खतरा बाहरी ताकतों से नहीं है, हम सक्षम हैं, पर जिनको आपत्ति है कुतुब मीनार, ये ड्रग्स कहां से आ रहा है? कुतुब मीनार की बात नहीं कर रहा, ये ड्रग्स कहां से आ रहा है त्यागी जी? कुतुब मीनार खत्म, ड्रग्स कहां से आ रहा है? चावला भाई, मैं इस ड्रग्स पर कितनी बार आपको जवाब दूं? ये ड्रग्स माफिया कौन है, क्या देश को ये जानने का अधिकार है या नहीं है? उतना ही तुष्टीकरण की राजनीति से, ओके, इसमें तुष्टीकरण की राजनीति। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, ओके, मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, आप तुष्टीकरण की बात करो, मैं नशे की खेप पकड़ी गई, आप कह रहे हो राहुल गांधी जिम्मेदार। एक सेकंड त्यागी जी, अच्छा नहीं लगता, एक सेकंड। पेटी फ्री, बीयर की एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। चावला भाई, जरा उस नशे की तरफ भी बात कर लीजिए। त्यागी जी, मैं वो वाला नहीं हूं जो आप लोगों के कहने पर सवाल करूं। आप लोगों के कहने पर सवाल लिख के आया, वही सवाल पूछना, मैं वो वाला हुई नहीं है ना। जो वो है वो उनको बताया करो कि इनसे ये सवाल कर लो, वो सवाल कर लो। मैं वो वाला हूं जिसकी कलम आज तक नहीं खरीद पाए।